अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 जनवरी 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED स्कूटनी रिजल्ट के बारे में देखने वाले हैं। DLED छात्रों के लिए जो बड़ी खुशखबरी है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्त, एक और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख दें। शिक्षक भर्ती नियमों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। जो एक नोटिस को वायरल किया जा रहा है, आप देख सकते हैं इस नोटिस को। यहाँ पर क्या लिखा है, समूह ग मतलब ग वर्गीय सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो ग्रुप सी के अंतर्गत वैकेंसी आएंगी उसमें क्या होने वाला जरा देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित TET अथवा CTET के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। देखिए दोस्त, ये नोटिस पहले भी काफी बार वायरल हो चुकी है कि मतलब कि जो आपका टेट का पेपर होगा उसका 1/4 अंक ठीक है सुपर टेट में फाइनल मेरिट के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी तक इसकी कुछ सच्चाई सामने निकल कर नहीं आ पाती। जब वैकेंसी आएगी तभी इसका क्लियर होगा कि ऐसा होगा कि नहीं। तो अब दोस्तों देखिए, आपका मेरिट बनने का सिस्टम जरा समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग DLED कर रहे हैं या BEd के छात्र होंगे तो मेरिट का पूरा प्रोसेस देख लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलकर आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। DLED परीक्षा डेट शीट आप देख सकते हैं। प्रथम सेमेस्टर डेट शीट 2023 का होगा, ऐसा यहाँ 2022 लिखा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का पेपर कैसे होगा 2023 में। और उसके बाद देखिए बात करेंगे, छुट्टियां निरस्त करने पर 20 BSA को तलब कर दिया गया है। शिक्षा मित्रों द्वारा सरकार को प्रेषित किया गया बधाई पत्र, मानदेय 24,000 करने व शिक्षा मित्र पद पर स्थायी करने की किया गया मांग। अगली अपडेट में यूपी में एक ही आयोग से होगी अध्यापकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। CM ने मांगा है प्रस्ताव। बदलाव, युवाओं को UPSC में बार बार नहीं देना होगा विवरण। एक और बड़ी खबर है। अगली अपडेट, शिक्षकों के वेतन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, ऐसा हाई कोर्ट से अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए हर बार कोर्ट से कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है। बाकी UPTET, CTET, सुपर टेट की हर एक बड़ी अपडेट आज हम आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, तो अभी वैकेंसी आने दीजिए दोस्तों, फिर देखिए अच्छी ताबड़तोड़ वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो लास्ट वैकेंसी हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती थी। तो इस वैकेंसी में हमने सब कुछ कवर किया था कि भैया पेपर से लेके जब तक मामला कोर्ट में पहुंचा क्या क्या हुआ, लाइव कोर्ट अपडेट तक हमने वीडियो आपके सामने लाई थी। लेकिन ठीक है, उसमें से काफ़ी बच्चे नौकरी पा गए हैं। तो ठीक है, आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं, कल आप लोग की भी नौकरी लग जानी है। तो चलिए पहले इस अपडेट को हम देखते हैं, समझते हैं पहले कि शिक्षक भर्ती का रूल क्या होता है। ठीक है, नौकरी पाने का नियम जरा समझ लीजिए पहले कि नौकरी आपको मिलती कैसे। ठीक है, सुपर टेट का पेपर का मतलब क्या, पहले देखिए होता क्या है जब आपकी नौकरी। तो दोस्त एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, 150 में से आप जितना भी नंबर लाएंगे उसका 60% लिया जाता है। ठीक है, सुपर टेट का अभी तक मेरिट में पहले समझ लीजिए। देखिए आपका जो 10वीं क्लास होता है 10th में, इसका 10% जोड़ा जाता है मेरिट बनाते समय। 12वीं कक्षा जो आप पढ़े हैं उसका भी 10% लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है ग्रेजुएशन। ठीक है, BA BSc आपने जो भी कर रखा होगा उसका भी 10% लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा नंबर आता है DLED का। ठीक है, कुछ बच्चे DLED के होंगे, कुछ बच्चे BEd के होंगे और कुछ बच्चे इसके समकक्ष कोर्स करके रखे होंगे, इसका भी दोस्तों 10% लिया जाता है। ठीक है, तो इसको जरा जोड़ लेंगे हम लोग तो टोटल ये बनता है 10%, 10, 10, 10, टोटल ये हो गया हमारा 40%। ठीक है, बाकी हमारा जो 60% लिया जाता है वो लिया जाता है सुपर टेट, अभी हमने आपको बताया। लेकिन जो ये बात समय समय पर निकल कर आती है कि UPTET या CTET का 1/4 लिया जाएगा, तो फिर यहाँ पर कुछ बदलाव किया जा सकता है इस 60% पे। बाकी तो यहाँ पर फिक्स है भाई, 10-10% लेना ही लेना है। ठीक है, तो इसको देख कर होता क्या ना, जो ये नियम अगर लागू कर दिया जाएगा 1/4 का, तो हर साल जब बार बार UPTET या CTET का पेपर होगा तो लगभग लगभग 100% बच्चे टेट का पेपर देंगे, क्योंकि सभी बच्चों में एक चीज होगी, सोचेंगे कि यार हमारा 150 में इस बार 130 नंबर आया तो अगली बार हो सकता है 140 नंबर ले आए। क्योंकि अगर 1/4 वाला नियम लागू रहेगा, ठीक है, तो जिसका नंबर टेट में ज्यादा होगा उसको ज्यादा फायदा मिलेगा,
इससे तो एक ही बात सिद्ध होगी, ठीक है? तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो हो सकता है कि एक कोशिश ये की जा रही है कि बच्चे बार बार टेट का पेपर दे। बहुत से बच्चे सोचते हैं एक बार चलो टेट क्लियर हो गया, बार बार कौन टेट का पेपर देगा। जरा समझ लीजिए कि अगर आप सुपर टेट में 100 नंबर स्कोर करेंगे तो इसका जब 60% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 100 × 60 / 150, 1 0 से 0 कट गया, 15 × 15, 15 × 60, 10 × 4 हो गए, ये 40 अंक की मेरिट बन गई आपकी सुपर टेट की। अब मान लेते हैं आपके हाई स्कूल में, जरा समझ लीजिए, मान लेते हैं आपके 70% थे, जितना भी रहेगा उसको 10 से भाग कर देंगे तो 7 नंबर आपका हाई स्कूल से आ गया। 12वीं में भी मान लेते हैं आपके दोस्त 80% थे, इसको 10 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारा ग्रेजुएशन मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं आपका 60% था, 10 से भाग कर देंगे तो 6 नंबर आ जाएगा। उसके बाद डीएलएड या बीएड, इसमें मान लेते हैं आपका 80% था, 10 से भाग कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है? इसको ऐसे निकालते, जरा जोड़ लीजिए, 7 और 8 15 6 21 8 29, तो टोटल आपकी मेरिट यहाँ से 29 नंबर की बनी। और 100 नंबर अगर आप पाएंगे तो 40 अंक की मेरिट यहाँ से, मतलब 29 और 40 को अगर हम जोड़ लेंगे तो 9 4 2 6, तो ये बनता है 69 नंबर, ठीक है? तो इस बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। 69 का मतलब क्या हो गया कि अब अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र तो क्या आप 69 में नौकरी पा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के छात्र तो क्या आपको 69 में नौकरी मिल सकती है, ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं तो क्या आपको नौकरी मिल सकती है, ठीक है, एससी कैटेगरी के छात्र हैं तो क्या आपको नौकरी मिल सकती है, तो ये सब बातें अब यहाँ पर डिसाइड होती है, ठीक है गाइस? तो लापरवाही देखिए, वही हम बात कहेंगे फिर से कि आप लोग को कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है? बेसिक तैयारी करेंगे, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, नौकरी का मौका बार बार देखिए नहीं मिलता है, ठीक है? तो इस बार जब आपको मौका मिले ना तो तैयारी इतनी ज़बरदस्त आपकी होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको नौकरी मिल जाए, तो फिर बढ़िया भी रहेगा, आप लोग नौकरी करते रहेंगे सब कुछ ठीक रहेगा। तो देखिएगा ऐसे एक बात याद रखिएगा, जो कट ऑफ जाती है हर कैटेगरी के अलग अलग जाती है। हो सकता है कि जनरल को चलिए छोड़ते हैं पहले, उसमें तो अनारक्षित सीटें हैं, मान लेते कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ गई है 70 नंबर, तो हो सकता है कि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 75 भी जा सकती है। जी हाँ, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा, ओबीसी में हो सकता है बच्चे ज़्यादा होना आ रहे हो सकता है कि एससी कैटेगरी की कट ऑफ 65 नंबर जाए, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ हो सकता है 60 नंबर जाए, तो ये सब कुछ संभव है, ठीक है? तो सभी कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग रहती है, आरक्षण का पूरा ख्याल रखा जाता है, यहाँ पर नियम देखा जाता है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में उसके बावजूद अब तक का सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ, 6,800 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ। नई चयन सूची जारी की गई, ठीक है, लेकिन अभी तक बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, एससी कैटेगरी के छात्र हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। बताइए, आपके साथ इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ, सभी बच्चे परेशान हैं, आपके साथ ही परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं 6,800 बच्चे, कुछ नहीं हो रहा है, और उनकी जगह गलत तरीके से कुछ बच्चों को नौकरियां दी गई। मतलब बताइए, जिन बच्चों का हक था 6,800 बच्चों का, उनको नौकरी ना देकर किसी अन्य बच्चों को नौकरी दे दी गई। बताइए, इससे बड़ा घोटाला कभी आपने देखा होगा? जो बच्चे हकदार हैं उनको नौकरी अभी भी नहीं दी गई, अभी भी बच्चे ठोकरे खा रहे हैं, ये सच्चाई है, ठीक है गाइस? तो अपने हक के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, ठीक है? कोई आपकी नौकरी नहीं लगवाएगा, याद रखिए, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो पढ़कर भी बेरोजगार ही रहेंगे, ठीक है? कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, आपके सीनियर बच्चे देखिए कितना स्ट्रगल किए हैं, लखनऊ में कितना धरना दिए तब जाकर उनको नियुक्ति पत्र मिला है, और जो बच्चे नौकरी भी पाए, 69,000 बच्चे जो नौकरी लेकर गए ना, क्या आपको लगता है फ्री में नौकरी मिल गई उनको? कितना धरना दिया, कितना स्ट्रगल किया, सोचिए, ठीक है? हाई कोर्ट, डबल बेंच, मतलब सिंगल बेंच पहले गए, फिर डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, तब जाकर उनको नियुक्ति पत्र मिला है, इतना लंबा फैसला, ठीक है? तो ठीक है, बाकी रिजल्ट के लिए dlrresult.com, बाकी और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, मिलेंगे एक और वीडियो में गाइस, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।